ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ जो कम्प्लीटली वो एक डिजाइनर बने। यहाँ पर यदि कोई बच्चा अगर एडमिशन लेता है तो 100% रिजल्ट की गारंटी है। इतनी बड़ी कैंपस पूरे देश में कहीं नहीं है कला डिजाइन आर्किटेक्चर के लिए। टोटल जो है 20 फैकल्टी की टीम है हमारे। मेरा नाम है प्रोफेसर राज चित्रकार। हमारे यहाँ एडमिशन का मतलब रिजल्ट होता है, क्योंकि मेरा जो संघर्ष है वे 26 सालों से संघर्ष है। विदेश में काम कर रहे होंगे, बॉलीवुड में 200-300 बच्चे काम कर रहे हैं। बचपन से ही जिसको कला डिजाइन में रुचि है वही बच्चा हमारे पास आएगा, क्योंकि ट्रक में आप साइकिल का टायर नहीं जोड़ सकते हैं। पटना में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है आपका? पटना में नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। पूरे देश की बात है। सबसे बड़ा चीज है, आरएफएस का सबसे बड़ा खासियत है कि जो है 26 साल पुराना है। ओपन मेरा चैलेंज है, अगर बच्चे यहाँ आएंगे तो 100% रिजल्ट लेके जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं सर जो 10th 12th के बाद कोई और सब्जेक्ट लेते हैं। अधिकतर बच्चे जो है बैंक, SSC, IIT वो सब में जाते हैं। निफ्ट में बहुत कम लोग आना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोग को अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है। करियर के लिए अच्छा ऑप्शन है बहुत, बिल्कुल 100%। जितने सारे प्रोडक्ट देख रहे हैं आखिर उसको कोई तो बनाने वाला होगा। अगर आप भी निफ्ट में करियर बनाना चाहते हैं तो आ जाइए पटना के बोर्डिंग रोड चौराहा के पास जो है सुमति प्लेस में आएंगे। ऊपर यहाँ पे देख लीजिए क्लास जो है, पटना के जो बेस्ट टीचर है राज चित्रकार सर, उनका यहाँ पे क्लास है। वो यहाँ 26 सालों से निफ्ट की तैयारी करवा रहे हैं और जो उनके स्टूडेंट है यहाँ से देश विदेश में परचम लहरा रहे हैं। उनका ये ऑफिस है, आप यहाँ से एंटर कीजिएगा। सर का राज चित्रकार सर पेंटिंग भी दिखा दीजिए जो कि हाथों से बनाई गई है। हाथों की कला जो है वो आप यहाँ आएंगे तो देखेंगे। और निफ्ट में आप करियर बनाना चाहते हैं तो आइए देखिए उनके स्टूडेंट के द्वारा जो है बहुत सारे पिक्चर्स बनाए गए हैं। ये सब हाथों से बनाई गई है और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा अवार्ड भी राज चित्रकार सर को मिला हुआ है। कितने सारे TV मैगजीन में भी उनकी फोटो छपी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं चेयरमैन का ऑफिस है, यहीं पे राज चित्रकार सर बैठते हैं। उनसे जानेंगे क्या कुछ यहाँ का एडमिशन का प्रोसेस है। सर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका ऑफिस बहुत यूनिक है। चलिए, ऑफिस तो ठीक है, डिजाइन का है तो थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखेगा ही। 26 सालों से आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ना चलो किसी के राह में, ना झुको किसी के निगाह में, डिजाइन के क्षेत्र में कुछ ऐसा कर जा कि जमाना चले तेरी राह में। और मैं ये खुले शब्दों में बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम है प्रोफेसर राज चित्रकार। मैं 26 सालों से कला डिजाइन का मैं सेवा कर रहा हूँ। और यहाँ पर यदि कोई बच्चा अगर एडमिशन लेता है तो 100% रिजल्ट की गारंटी है। 26 सालों में हमारा जो बच्चा है, 2-3 बच्चे सिर्फ फेल हुए होंगे, क्योंकि हम उसी पैटर्न पे एडमिशन लेते हैं कि हमारे यहाँ एडमिशन का मतलब रिजल्ट होता है। जो बच्चे फेल हो जाते हैं उसे दोबारा भी पढ़ाते हैं वो 100%। अगर दोबारा बच्चा फेल कर गया तो नेक्स्ट ईयर उसको ट्राई करेंगे। निफ्ट के साथ साथ NID का बच्चा फॉर्म भरता है, निफ्ट का फॉर्म भरता है, BR का फॉर्म भरता है, नाटा का फॉर्म भरता है, BFA का फॉर्म भरता है। जब हम लोग 4-5 टारगेट रखेंगे तो 100% कहीं ना कहीं उसकी सिलेक्शन होगी। पैसे नहीं लगेंगे दोबारा? बिल्कुल नहीं लगेंगे। जब एक बार जो कमिटमेंट हो गया वो कमिटमेंट हो गया। आपके बच्चे देश विदेश में भी हैं? हाँ, बहुत सारे हैं, करीबन 1000 से ऊपर विदेश में काम कर रहे होंगे। बॉलीवुड में 200-300 बच्चे काम कर रहे हैं। सर क्या कुछ प्रोसेस है एडमिशन का? हमारे यहाँ सबसे पहले जो एडमिशन प्रोसेस होता है, नीचे वाले जनरल कैंपस में बच्चे आते हैं, वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। और उसके लिए कैंपस अलग है, सबसे पहले जनरल में क्लास करते हैं। और क्लास करने के बाद जो है अचीवर होता है, अचीवर में आने के बाद जो है उसके बाद फिर बिनर होता है। बिनर में आने के बाद खाना पीना रहना सहना फिर उसको निःशुल्क दी जाती है। खाना पीना रहना? हाँ, बिनर उसका एक अलग कैंपस है। इतनी बड़ी कैंपस पूरे देश में कहीं नहीं है कला डिजाइन आर्किटेक्चर के लिए। पटना में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है? पटना में नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। पूरे देश की बात है। और दूसरी चीज है कि आप हमारे स्टूडियो में घुसे होंगे तो सीधे ओपन चैलेंज होती है कि यदि कोई बच्चा हमारे यहाँ 4-5 महीना अगर क्लास कर लेगा तो इंडिया में कोई टीचर और स्टूडेंट खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा होगा तो मैं संस्था को बंद कर दूंगा। पूरे पटना नहीं, अलग पूरे नहीं, पूरे इंडिया में की बात मैं बात कर रही हूं। पटना से? हाँ, आप हमारे स्टूडियो में जाएंगे, जो हमारे यहाँ का जो बच्चे हैं जो काम करते हैं, हमारे यहाँ का जो क्रिएटिविटी है, हमारे यहाँ का जो वर्क है, कोई भी वर्क आप एक सिलेक्ट कर लीजिए, उसको सिर्फ उस वर्क को कॉपी करवा दीजिए, नहीं हो पाएगी, संभव नहीं। यूनिक है सर, हमने भी। हाँ, वो है, क्योंकि मेरा जो संघर्ष है वे 26 सालों से संघर्ष है। मैं प्रत्येक दिन कुछ न कुछ, स्टार्टिंग से जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो स्टार्टिंग से उसको हाउ टू होल्ड दी पेंसिल से मैं पढ़ाता हूँ कि टू लर्न ड्राइंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो हाउ टू यूज योर पेंसिल। अगर पेंसिल भी मैं पकड़ूंगा ना तो 360 डिग्री का वो रेडियस होगा, वो फेल नहीं होगा। कंपास फेल हो जाएगा लेकिन राज चित्रकार का हाथ फेल नहीं होगा। आपने अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता दिया, पटना में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, स्टूडेंट को आपके पास ही क्यों आना चाहिए? सबसे बड़ा चीज है कि कला डिजाइन के लिए इतनी बड़ी कैंपस पूरे बिहार में किसी के पास नहीं है और न इतनी बड़ी कोई टीम है। अगर कोई बच्चा एडमिशन लेगा तो 100% रिजल्ट की अगर वो गारंटी देता है, एग्रीमेंट पेपर पे साइन करता है तो उसके यहाँ जाए। बट मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ,
कि यदि कोई बच्चा हमारे पास एडमिशन लेने के लिए अगर आएगा, उसका गार्जियन अगर हमसे सवाल करेगा, पूछेगा क्या सर हमारे बच्चों को आप तैयार कर सकते हैं, तो मैं उनको सीधे बहुत बढ़िया से बोलूँगा कि सर एक वो एग्रीमेंट पेपर है, आप एग्रीमेंट पेपर लेके आप आइए और हमसे साइन ले लीजिए। बच्चे ट्वेल्थ के बाद जब ट्वेल्थ करते हैं तो या तो जेई की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, आप तक ग्रेजुएशन या तो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, स्टूडेंट को कैसे कन्विंस कीजिएगा कि वो आर्ट के क्षेत्र में आए, सबसे बड़ा सवाल यही होगा। देखिए यहाँ पे एजुकेशन दो तरह का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन, एक ट्रेडिशनल दूसरा वोकेशनल। तो जो शुरू से बचपन से ही जिसको कला डिजाइन में रुचि है वही बच्चा हमारे पास आएगा, क्योंकि ट्रक में आप साइकिल का टायर नहीं जोड़ सकते हैं, आप जाहिर सी बात है ट्रक में ट्रक का ही टायर जोड़ेंगे। तो जो बच्चा आर्ट का इंटरेस्ट रखता हो ना, जो कला में रुचि रखता हो, डिजाइन में रुचि रखता हो, वही बच्चा हमारे पास सिर्फ आएगा, नॉर्मल बच्चा हमारे पास नहीं आएगा, जो भी बच्चा आएगा हमारे पास क्रिएटिव बच्चा आएगा। अच्छा, उन पेरेंट्स के बारे में क्या कहिएगा, उनको कैसे बताइएगा कि जो रोकते हैं, कहते हैं कि आर्ट में कुछ नहीं रखा हुआ है? नहीं, बहुत कुछ, एक कम्प्लीटली आप हमको एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं भी एक पेशे से कलाकार हूँ, आप हमारे घर देख रहे होंगे, सुमति प्लेस कैंपस देख रहे होंगे, है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक कला डिजाइन में काम करता हूँ, पेंटिंग करता हूँ, स्केचिंग करता हूँ, ड्राइंग करता हूँ, है ना, सारा चीज करता हूँ, तो इसमें बहुत स्कोप है। अब क्लासरूम में आ गए हैं, सर पीछे देख सकते हैं, सर ने स्केच भी बनाई हुई है, सर से जानेंगे, बहुत सारे सवाल अभी भी मन में है सर, मैट्रिक इंटर वालों के लिए क्या रखें? देखिए जो मैट्रिक वाले बच्चे अगर हमारे पास आएंगे वो 2 साल तैयारी करेंगे, और इंटर के लिए अगर बच्चे आएंगे वो हमारे पास 1 साल की तैयारी करेंगे। और सबसे बड़ा चीज़ है, आरएफएस का सबसे बड़ा खासियत है कि जो है 26 साल पुराना है, अगर बच्चे यहाँ आएंगे तो 100% रिजल्ट लेके जाएंगे, क्योंकि इस फील्ड में पूरे देश में मैं देख रहा हूँ, ओपन मेरा चैलेंज है कि आपने हमारे स्टूडियो में गया होगा, उसमें बहुत सारा वर्क देखा होगा आपने, वो ट्रक देखा होगा, पेंटिंग देखा होगा, बहुत सारा चीज़ देखा होगा। तो मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ जो कम्प्लीटली वो एक डिजाइनर बने, अगर कहीं खड़ा हो तो उसको पता चलना चाहिए कि हम राज सर के स्टूडेंट हैं। दावे तो सब कर देते हैं सर, लेकिन प्लेसमेंट के टाइम दावे सभी करते हैं पर रिजल्ट रास्ता ही देते हैं, ठीक है, सब ऐसे ही दावे करते हैं। नहीं नहीं, वो दो झूठे दावे करते हैं, एडमिशन के पहले ऐसे ही वो झूठे दावे करते हैं। हमारा 26 सालों का ऐतिहासिक सफलता आपने देखा होगा कि मेरे बारे में 24,000 से ऊपर जो है आर्टिकल छप चुका है। ये सब चित्र के बारे में बता सकते हैं? ये चित्र है एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पर ए से एक लेडी बनी हुई है, अगर यहाँ पर एक टीचर क्वेश्चन देते हैं कि टू क्रिएट एन आर्टिकल हेल्प दी अल्फाबेट ए, तो ए से यहाँ पर कुछ न कुछ बना हुआ है, फिगर ए से बना हुआ है, कहीं लेडी बनी हुई है, ए से बना हुआ है, देख रहे हैं ए से लेडी बना हुआ है, इसका पढ़ाए हैं नितिन सर, पढ़ाते हैं, है ना, और भी टीचर्स हैं। हाँ, यहाँ पर टोटल जो है 20 फैकल्टी की टीम है हमारे। जो एडमिशन लेना चाहते हो कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे आप? वो सबसे पहले हमारे ऑफिस में आए, हमारे परिसर में आए, और नीचे जनरल ग्रुप का कैंपस है वहाँ पे आके इंक्वायरी करें, उसके बाद बोर्डिंग रोड 84 सुमति पैलेस में स्थित है, और बाकी उसको डिटेल्स के लिए 9835000222 पे वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सुमति पैलेस थर्ड फ्लोर, हाँ, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और सिक्स फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे भी है, थर्ड फ्लोर, हाँ, सिक्स पे भी है। क्लासेस कब से चलती है सर? क्लासेज इसका अभी इन लोग का मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे, है ना, 4 दिन सप्ताह में क्लास चलती है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे की क्लास होती है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं सर जो 10th 12th के बाद कोई और सब्जेक्ट लेते हैं, अधिकतर बच्चे जो है बैंक, SSC, IIT वो सब में जाते हैं, निफ्ट में बहुत कम लोग आना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोग को अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है। अगर जो बच्चे गांव से चल के आते हैं IIT मेडिकल के बारे में, वो सोचते हैं गांव से उठ के आए और IIT की तैयारी करना शुरू कर दिए, उनको पता नहीं होता है कि सिविल क्या है, मैकेनिकल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्या है, कंप्यूटर साइंस क्या है, उन्हें पता नहीं होती है। लोगों को लगता है कि इसमें पैसे होंगे नहीं होंगे, लोग सरकारी नौकरी की तरफ मुंह कर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हैंड ऑन स्किल पर ही है, हैंड ऑन स्किल पर निर्धारित है, करियर के लिए अच्छा ऑप्शन है, बहुत बिल्कुल 100%। जितने सारे प्रोडक्ट देख रहे हैं, आखिर उसको कोई तो बनाने वाला होगा। चलिए, हमारे साथ राज चित्रकार सर थे, अगर आप भी निफ्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो इनके पास आइए, 26 सालों का एक्सपीरियंस है इनके पास, और इनके जो स्टूडेंट हैं आज देश विदेश में परचम लहरा रहे हैं। बाकी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी यहाँ का एड्रेस और नंबर,